हेलो गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग, मैं एक्चुअली जेल ले रही हूँ। मेरा बाल आगे का देखिए कैसा हो गया। तो मैंने एक्चुअली जेल ले लिया है और मैं जा रही हूँ जल विसर्जन करने। आज अवसान मैया की पूजा थी जिसका व्लॉग मैंने नहीं शूट किया, आई एम सो सॉरी। बट यार, तो बच्चों के साथ इतनी तैयारियाँ करना, इट्स टू डिफिकल्ट। मैं क्या वीडियो बना पाती, मैंने सोचा था कि मैंने कल रात से सोचा था, बस सो एक्साइटेड कि कितना अच्छा व्लॉग बनेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं शूट नहीं कर पाई और अब ये देखिए जा रही हूँ शीतला माता को ये जल विसर्जन करने। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड आई एम सो सॉरी आई कुडंट रिकॉर्ड होल थिंग। मतलब जो भी मॉर्निंग में पूजा हुई, आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड होल प्रोसेस, जो भी पूजा का होता है एंड क्या क्या प्लानिंग थी उसके पीछे, क्या क्या प्रोसीजर था। आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड एंड शो इट टू ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट बिकॉज यू गाइज नो आई हैव टू किड्स एंड इट गेट वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो, वीडियो शूट करना है और कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है या कोई पूजा जो भी है, या छोटा हो या बड़ा हो, बट फंक्शन तो फंक्शन होता है गाइज, तो उसके प्रिपरेशन तो आप समझ ही सकते हैं। तो आई एम सो सॉरी, बट ये एक छोटा सा क्लिप होगा, आगे मैं ऐड कर दूँगी। मेरी जेठानी ने रिकॉर्ड किया था, आप देख सकते हैं उसको। ये जल चढ़ाने की पहले का सब वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वही आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। पकल पकल बरवा हो माया देवड़ी के ठार, माया देवड़ी के ठार। भैया बिनव श्री राम कई गई दरत चरणवा हो माई देवड़ी के ठार, मल हरियई तोहार। लडो पकल पकल बरवा लडो माई देवड़ी के ठार, माई देवड़ी के ठार। एक बार बोलो असली मैया की जय। हेलो गाइस, इवनिंग के 6:10 हो रहे हैं और ये लोग करेक्ट 6 बजे दोनों जन सोकर उठे हैं और लाडो ने मुझे जैसे सिग्नल्स दिए कि उसको पॉटी करनी है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इसको पॉटी ट्रेनिंग देना अभी से स्टार्ट कर दिया है। राघव को भी हम ऐसे ही करते थे और लाडो को भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। है ना लाडो, है ना शोना, पॉटी आई है, पॉटी आ रही है लाडो को। वो एक्चुअली ये काफ़ी इन्जॉय करती है ये प्रोसेस और मेरे लिए भी आसान हो जाता है, मतलब फैलता नहीं है और ऐसा, मतलब ये अच्छा है। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं और आप भी उनको, है ना लाडू, देखिए लाडू कैसे बोल रही है, आप भी उनको पॉटी ट्रेनिंग देना चाहती हैं मेरी तरह, मैं कैसे ले रही हूँ मम्मा से, आले क्या कर दिया, वॉमिट कर दिया, थोड़ी सी वॉमिट हो गई, ओके रुको मम्मा, तो ऐसा दे सकते हैं। ये बहुत बेस्ट वे है। इंडियन टॉयलेट की जो पोजिशन होती है ना, उसमें बच्चे बहुत कम्फर्टेबल होते हैं। आ रही हूँ, सुना आ रही हूँ, तो चलिए गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। लाडो पॉटी करने से ज़्यादा ना ये इन्जॉय करती है ऐसे बैठना, और मैं जब सीटियाँ बजाती हूँ ना, तो उसको बहुत ही मज़ा आता है। हेलो गाइस, अभी हम लोग नीचे आए हुए हैं, थोड़ा सा लाडो को भी लेकर आई हूँ, है ना लाडो, लाइट आ रही है। दोस्तों, ये सेम ही डे का व्लॉग है। आप लोग मेरे मतलब मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, एक्चुअली मैं साड़ी चेंज करके मार्केट गई थी, बिकॉज़ आप लोगों को बता दूँ, मार्केट इस समय साड़ी पहन कर जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतने पॉट होल्स हैं, फिर नीचे से साड़ी गंदी होती है, गीली होती है, और फिर पल्लू संभालो वगैरह वगैरह, तो इस वजह से मैंने अवॉइड किया साड़ी पहन कर जाना। और मुझे काफ़ी सामान भी लेना था, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और थोड़ी बहुत ग्रॉसरी के सामान, तो फिर मैंने सोचा यार चेंज कर लेते हैं, फिर आराम से जाते हैं। और फिर यहाँ पर वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, आज सप्तमी है तो आज पूड़ी बनाना था, तो वही बस पूड़ी और भाजी बनाने वाली हूँ, उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए लाडो कितना इन्जॉय कर रही है, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब सामान देखकर, बहुत खुश हो रही है और मुझसे कुछ कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पे, और ऐसे कलरफुल चीज़ें देखना उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और बस यही, आगे मैं फिर खाना बनाऊँगी, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर फटाफट से पूड़ियाँ तल रही हूँ, पूड़ी के बाद थोड़ी सादी कचौड़ी बनाने वाली हूँ। सादी कचौड़ी इसलिए क्योंकि पापा है ना, मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी, उनको पूड़ियाँ कम पसंद है, तो मैं यहाँ पे उनके लिए कचौड़ी बनाती हूँ, क्योंकि वो सादी कचौड़ी बहुत मन से खा लेते हैं। और परवल की भाजी उनकी और मेरे हस्बैंड दोनों की फेवरेट है, थोड़ी सी जूस वाली परवल की भाजी और पूड़ी, वैसे भी हम पंडितों को काफ़ी पसंद होती है
तो और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को दिखा होगा बीच में कि मैंने मोबाइल ऑन करके अपना वीडियो भी वहीं पे चला रखा था अपना, यानी मतलब मैं कुछ शोज़ देखती हूँ जिनको फॉलो करती हूँ तो फिर वही चालू करके छोड़ देती हूँ, तो मेरे कान में आवाज़ जाती रहती है कुकिंग करते वक्त, और मेरा शो भी देखना हो जाता है इसी बहाने, और अलग से टाइम मुझे फिर नहीं निकालना पड़ता है मोबाइल देखने के लिए या वो शो फॉलो करने के लिए पर्टिकुलरली। हेलो दोस्तों, लाइट चली गई है और अभी देखिए ना खाना बीच में ही रुक गया मतलब बन रहा है, कचौड़ियाँ तल रही हूँ, भाजी वगैरह सब कट के करके रखी है, बस छौंकने की तैयारी है। जैसे ही वीडियो शूट करने जा रही थी मैं वैसे ही लाइट चली गई, मैं एक्चुअली गई थी ना मार्केट तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, तब तक लाइट ही चली गई। हेलो दोस्तों, तो फाइनली लाइट आ गई है, कुछ ज़्यादा ही लाइट आ रही है ना फ्रेम में एक्चुअली, रुकिए हाँ तो ये ठीक है, सॉरी मुझे इग्नोर करिएगा बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज, हिसाब से ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे तो लगा लाइट नहीं आएगी और मैं नहीं दिखा पाऊँगी, बट चलिए थैंकफुली लाइट आ गई, तो मैंने सोचा क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, तो बने रहिए ज़रा वीडियो में। हाँ तो वेजिटेबल में पम्पकिन है और परवल है, ये देखिए, और ये है सोआ, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सोआ है ये, इसकी भाजी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मूंग दाल डाल के बनाती हूँ, चाहिए तो रेसिपी शेयर कर दूँगी। मैगी लाई हूँ, राघव को मैगी पसंद है, करी लीव्स, शिमला मिर्च एंड सूरन, और गवार है, मेरा गवार, मुझे गवार बहुत पसंद है राइस, मुझे गवार की भाजी बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत फ्रेश गवार से तो मेरा बहुत नरम है तो मैंने ले लिया। ये 10 रुपये का है, 15 रुपीज़ का पाव किलो मिल रहा था, लेकिन ये 10 रुपये का ना इसमें 2 आलू डाल दो हमारे फैमिली के लिए इनफ होता है। और मैंने एक ये बेडशीट ली है, बहुत ही अच्छा, बहुत सॉफ्ट है, मतलब प्योर कॉटन है, और वाइट कलर में है, जो कि अभी नहीं बिछा सकती बिकॉज बच्चे छोटे हैं, बट बहुत अच्छा डिस्काउंट में मिला मुझे तो इसलिए मैंने ले लिया, पिक कर लिया। और एक्चुअली सर बताओ जी, मैं बता दूँगी किस ले लिया है, मतलब बताना भी चाह रही हूँ, नहीं भी बताना चाह रही हूँ। और ये सब थोड़े से ग्रॉसरी के सामान है, मैंने फ्रूट्स में आज लिया है। पहले तो सोचा था कि आप लोगों के साथ वो बेडशीट वाली स्टोरी नहीं शेयर करूँगी, क्यों खरीदा, बिकॉज कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि शायद अगर कुछ लोग मेरे इस बात से इंस्पायर भी हो जाए, तो मैंने ना जिससे बेडशीट खरीदा ना, तो उसकी कोई मतलब वो रोड पर लगाती है और उसका कोई धंधा नहीं हुआ था, मतलब कोई बिक्री नहीं हुई थी बेडशीट की, तो उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था उस दिन के लिए, सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर उसने बोला दीदी मेरी बोनी नहीं हुई है, तो इसी वजह से मैंने उससे बेडशीट खरीद ली। मैंने उससे चाहिए इसी बहाने किसी की हेल्प हो जाएगी, वैसे भी हम कितने पैसे यू नो रेस्टोरेंट में इधर उधर ज़ाया कर देते हैं, और अगर इसी बहाने किसी की हेल्प हो जाए तो क्यों ना। और ये क्लिप जो आप लोग देख रहे हैं लाडू की, रात की 12 बजे की क्लिप है, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूँ। देखिए ना सोने के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, उसको काफ़ी मज़ा आता है खेलने में, और देखिए यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ क्रॉलिंग कर रही है, बस वो उसके राघव की चप्पल से बहुत फैसिनेटेड रहती है पता नहीं क्यों। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस।